हेलो एवरीबॉडी, मैं दीपक यादव फ्रॉम क्रो साइबर सिक्योरिटी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले IPv6 के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, मैंने यहाँ पे IPv6 के बारे में कुछ लिखा हुआ है और हम एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर आप लोगों को IPv6 के वीडियोस देखने को मिलेंगे विद प्रैक्टिकल। जो भी चीज हम करेंगे उसको प्रैक्टिकल करके परफॉर्म करेंगे। जैसा कि मैंने IPv4 का आप लोगों को डिवाइसेस के ऊपर कंट्रोल करना है और जो भी डायनेमिक राउटिंग, स्टैटिक राउटिंग, जो भी हमने किया, जो भी कुछ हमने किया है, वो सारी चीजें हम IPv6 के अंदर भी करके देखेंगे। और बहुत आसान है, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने वीडियोस को देखते रहना तो आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा और सारी चीज हम विद प्रैक्टिकल्स करने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने सेपरेट एक नया प्लेलिस्ट मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। तो जो वीडियो आप ये देख रहे हो ये IPv6 के प्लेलिस्ट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, तो आप लोगों ने पार्ट 1 के अकॉर्डिंग देखते हुए स्टार्ट करना है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जितने वीडियोस बनते हैं तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग देखो तो आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। IPv6 भी बहुत आसान है, ठीक है, कॉन्फिगर करना और जो भी चीज हम जानेंगे तो आप लोगों को बहुत आसानी समझ में आ जाएगा एक्चुअल में है क्या। ठीक है, और इसे क्यों बनाया गया, इसकी क्या जरूरत थी, तो ये सारी चीजें पहले हम जान लेते हैं, देन जो भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है तो इनके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं भाई IPv6 को बनाया क्यों गया, भाई इसकी जरूरत क्या थी। तो आप लोगों को पता है कि IPv4 के अंदर टोटल जो आईपी एड्रेसेज है कितने हैं, 4.3 बिलियन। तो नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेज हमारे पास कम है, ठीक है, क्योंकि भाई इंटरनेट के ऊपर एवरी ईच पर्सन इंटरनेट यूज कर रहा है तो गैजेट्स जो है वो बहुत ज्यादा है। तो हमारे पास IPv4 के अंदर वर्थ इट आईपीज नहीं है, मतलब यूजेबल आईपीज हमारे पास नहीं बचे हैं, बहुत कम बचे हैं। ठीक है, तो इन फ्यूचर भाई हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। IPv4 के अंदर जो टोटल आईपी जो हमारे पास 4.3 बिलियन है वो सारे यूज में आ चुके होंगे, तो फिर और नए डिवाइसेज जब इंटरनेट के पा रहे हैं तो वो कहाँ पे कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो इसके लिए किसको बनाया गया, IPv6 को, और 2012 में ऑफिशियली इसे लॉन्च किया गया था आईना के द्वारा, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी, जो आप लोग ऑलरेडी पता होगा मैंने IPv4 के अंदर आप लोगों को बताया था। ठीक है, यदि नहीं पता तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, और जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा IPv4 का भी डेवलप किसने किया था, आईना ने किया था। ऐसे ही IPv6 को डेवलप किसके द्वारा किया गया, आईना के द्वारा, IANA, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है और जो भी स्टेप मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं पहले इनके बारे में हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ IPv6 एड्रेस साइज, टोटल एड्रेस साइज इसका क्या है, 128 बिट। आप लोगों को IPv4 का पता होगा 32 बिट होता है, तो इसका कितना होता है, 128 बिट होता है। ओके, और ये कितने ऑक्टेट के अंदर डिवाइड होता है, 8 ऑक्टेट के अंदर डिवाइड होता है। तो 8 ऑक्टेट के अंदर डिवाइड, तो पर ऑक्टेट कितने साइज का होगा, 16 बिट का। ठीक है, तो याद रखना आप लोगों ने IPv6 का जो टोटल साइज होता है वो कितना होता है, 128 बिट होता है, और कितने ऑक्टेट के अंदर डिवाइड होता है, भाई 8 ऑक्टेट के अंदर डिवाइड होता है। और IPv4 हमारा कितने ऑक्टेट के अंदर होता है, यदि आप लोगों ने उन वीडियोस को देखा होगा, यदि आप लोगों को अच्छे से पता है तो आप लोगों को पता होगा IPv4 हमारा 4 ऑक्टेट के अंदर डिवाइड होता है, और टोटल साइज IPv4 का 32 बिट होता है। ठीक है, और IPv4 हमारा डेसिमल फॉर्मेट में होता है और IPv6 हेक्सा डेसिमल फॉर्मेट में होता है। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करें जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है IPv6 का जो टोटल साइज होता है 34 × 10 और 10^38, इसका टोटल साइज ये होता है। ओके, मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है 34 × 10 और 10^38। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो टोटल साइज इसका जो निकल के आएगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेज जिनको हम यूज कर सकते हैं एज एड्रेसिंग के लिए, तो इतने सारे एड्रेसेज निकल के आएंगे जब आप इसको सोल्व करोगे। ठीक है, तो और नेक्स्ट हम बात करते हैं IPv6 के अंदर नेट की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज ए नो नीड नेट, मतलब नेट की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप लोगों ने नेट की वीडियोस देखे होंगे तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा नेट क्या है, भाई नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। भाई हम IPv4 के अंदर जब इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने जाते हैं तो हमारे सिस्टम के ऊपर एक लोकल एड्रेस होता है जो हमारी लोकल कनेक्टिविटी बनाता है, और इंटरनेट यूज करने के लिए एक पब्लिक एड्रेस अलग से मिलता है। तो IPv6 के अंदर ऐसा नहीं है, IPv6 के अंदर नेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए IPv6 के अंदर नेट की जरूरत नहीं है। या हम बात करें इंटरनेट यूज करने के लिए कोई पब्लिक और प्राइवेट एड्रेसेस की आप लोगों को जरूरत नहीं होती है, उसके अंदर जो एड्रेस आपको मिला हुआ है तो उसी एड्रेस से आपका डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ पे बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ एवरी डिवाइस कैन डायरेक्टली रीच अदर डिवाइस, जो मेरे सिस्टम के ऊपर लोकल एड्रेस डाला हुआ है उसी के थ्रू मैं इंटरनेट यूज कर सकता हूँ। ठीक है, IPv4 के अंदर क्या होता है कि हमारे सिस्टम के ऊपर एक प्राइवेट एड्रेस डाला होता है और इंटरनेट यूज करने के लिए एक पब्लिक एड्रेस अलग से मिलता है। ठीक है, लेकिन IPv6 के अंदर ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे नेट का कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब नेट की यहाँ पे जरूरत नहीं है। और मैं बात करूं भाई नेट का यूज क्या होता है, भाई नेट क्या करता है, पब्लिक आईपी को प्राइवेट में और प्राइवेट आईपी को पब्लिक में ट्रांसलेट करने का इसका काम होता है। तो यदि आप लोगों ने नेट के वीडियोस देखे हो तो बहुत अच्छे से आप लोगों को पता होगा। और नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हम कंपेयर करें IPv4 से किसको, IPv6 को। तो IPv6 का जो हेडर साइज है वो छोटा होता है किसके कंपेयर में, IPv4 से। ठीक है, मतलब IPv6 के अंदर हेडर साइज, मतलब लेंथ, फ्लैग्स, बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा ऐड होती हैं, तो इसके अंदर ऐसा नहीं है, जिससे हमारा फास्ट कन्वर्सेशन भी यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, IPv6 के अंदर फास्ट कन्वर्सेशन होता है एज कम्पेयर टू
IPv4 के, ठीक है, जो ट्रांजेक्शन हमारा होता है, जो कनेक्टिविटी बनती है, जो भी कनेक्शन हम इस्टेब्लिश करते हैं ना हमारे डिवाइसेस के बीच में, जो कम्युनिकेशन होता है एज कम्पेयर टू IPv4 से फास्ट होता है IPv6 के अंदर, ठीक है, क्योंकि हमारा हेडर साइज इसके अंदर छोटा होता है और IPv4 के अंदर हेडर साइज बड़ा होता है, तो एवरी ईच एंट्रीज वहां पे लग के जाती है, देन हमारा कनेक्शन वहां पे स्टेब्लिश हो पाता है, ठीक है। तो IPv6 के अंदर हेडर साइज को रिड्यूस कर दिया गया, मतलब कम कर दिया गया। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करूँ IPsec, इसमें एनेबल होता है IPv6 के अंदर। IPsec क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। मान लो कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के ऊपर आप कोई भी चीज शेयर करना चाहते हो, ठीक है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी मतलब आपका जो भी डेटा ट्रांसफर होगा या जो भी चीज आप ट्रांसफर कर रहे हो वो एक टनल के फॉर्म में यहाँ पे ट्रांसफर होती है, जो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट के अंदर हमारा डेटा ट्रांसफर होता है, तो इसके अंदर IPsec एनेबल होता है। और देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करूँ ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। IPv6 सपोर्ट बोथ स्टेटफुल एंड स्टेटलेस, दोनों से मतलब क्या है, स्टेटफुल एंड स्टेटलेस से। मान लो एक तो आपने खुद से IP एड्रेसेस असाइन करवाए हो, या मान लो DHCP सर्वर की ओर से एड्रेसेस असाइन करवाए हो, ठीक है, देन आपने कनेक्टिविटी स्टेब्लिश करवाई है, ठीक है, तो वो तो हो गया स्टेटफुल। और स्टेटलेस मान लो आपने अपने सिस्टम के ऊपर कोई भी एड्रेसेस असाइन नहीं करवाया, देन उनके बीच में कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया, तो वो प्रोसेस को हम बोलेंगे स्टेटलेस। ओके, तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। इन चीजों के बारे में स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं, जो भी स्टेप मैं यहाँ पे बता रहा हूँ तो आने वाली वीडियोज के अंदर आप लोगों को बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे, लेकिन आप लोगों ने वीडियोज को स्टेप बाय स्टेप देखते रहना है, ठीक है। और जो भी चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो पहले उनको एक बार समझ लेना है, और स्टेप बाय स्टेप आप लोग वीडियो देखो तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। और जो भी प्रोसेस मैं आप लोगों को बताऊंगा बहुत इजी वे के अंदर आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, बस आप लोगों ने वीडियोस को अच्छे से फॉलो करना है, और जो भी मैं आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ उसके ऊपर फॉलो करना है। इन IPv6 फास्ट फॉरवर्डिंग एज कम्पेयर टू IPv4, जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि IPv4 के अंदर हेडर साइज बड़ा होता है, IPv6 के अंदर छोटा होता है। तो IPv6 के अंदर जो भी आप डेटा शेयर करते हो तो उसके अंदर ज्यादा एंट्रीज नहीं लगती है, तो जिससे आपका कनेक्शन वहां पे मतलब फास्ट हो जाता है, आपका कम्युनिकेशन फास्ट हो जाता है, और IPv4 के अंदर हेडर साइज बड़ा होता है, तो उन चीजों को रीड करने में और आपके डिवाइसेस के बीच में जो कम्युनिकेशन स्टेब्लिश होता है तो वो थोड़ा स्लो हो जाता है वो प्रोसेस, ठीक है। तो एज कम्पेयर टू IPv6 के अंदर आपका कम्युनिकेशन फास्ट होता है, और एज कम्पेयर टू IPv4। ओके, तो आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे समझे होंगे, और आप लोगों को पता होगा यदि आप लोगों ने IPv4 के वीडियोस को देखा हुआ तो उसके अंदर मैंने बता रखा है हेडर साइज के बारे में, ठीक है। और IPv6 जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर मैं आप लोगों का हेडर साइज के बारे में बताऊंगा, हेडर क्या है और कौन कौन सी फील्ड इसके अंदर लग के जाती है, तो सारी चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। दोनों एड्रेस को कंपेयर करके मैं आप लोगों को बताऊंगा बहुत अच्छे से। IPv6 के अंदर नो ब्रॉडकास्ट ऑप्शन, इसका मतलब क्या है भाई, IPv4 के अंदर तो आपका पैकेट ब्रॉडकास्ट हो जाता है, IPv6 के अंदर ब्रॉडकास्ट कोई सपोर्ट ही नहीं करता, मतलब इसके अंदर कोई भी ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन नहीं होता है। और ये सपोर्ट किसको करता है, जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट मैंने लिख रखा है IPv6 के अंदर एनी कास्ट को सपोर्ट करता है, तो आई थिंक आप लोगों को पता होगा एनी कास्ट क्या होता है, नहीं पता तो आप लोग बता देता हूँ, आने वाले IPv6 के वीडियोज के अंदर एनी कास्ट के बारे में बहुत अच्छे से बात करूंगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं थोड़ा सा समझाने के पर्पज से आप लोगों को बता देता हूँ कि एनी कास्ट होता क्या है। कि मान लो आपकी क्लास के अंदर 3 लोग हैं, ठीक है, आप एक नया पर्सन वहां पे ऐड हुआ है, तो किसी भी पर्सन के पास आप कोई भी डेटा शेयर करना चाहते हो तो आपको पैकेट मतलब आपको नहीं पता कि किस पर्सन के पास वो डेटा है, तो आप वहां पे क्या करते हो भाई, ब्रॉडकास्ट करते हो। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपने ब्रॉडकास्ट करने की जरूरत नहीं है, आप किसी के पास भी कोई भी एंट्री लेके जाओगे तो आपको वहां पे रिप्लाई मिल जाएगा, मतलब वो एंट्री, मतलब ऐसा नहीं कि किसी पर्सन के पास कोई ज्यादा एंट्री होता है, मान लो कि 3 पर्सन मेरे पास है तो इसके पास भी वही बराबर डेटा होगा, इसके पास भी वही बराबर डेटा होगा, इसके पास भी वही बराबर डेटा होगा, तो किसी भी पर्सन के पास आपका या किसी भी डिवाइस के पास आपकी एंट्री जाती है तो वहीं से आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि उस पैकेट को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा पूरे नेटवर्क के अंदर, ठीक है। सभी के पास यहाँ पे बराबर मतलब डेटा होगा, जो भी एंट्री होगी वो बराबर होगी, ऐसा नहीं कि इसके पास ज्यादा है, इसके इसके पास नहीं है, इसके पास है, इसके पास नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, सबके अंदर बराबर होगा। तो किसी के पास भी पैकेट जाता है तो इस प्रोसेस को बोलता है एनी कास्ट, और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर मैं बहुत अच्छे से इसके बारे में बात करूंगा। और देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करूँ मोबिलिटी, एक बार मैं मिटा देता हूँ जो भी मैंने यहाँ पे लिखा। तो मोबिलिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे लिख रखा है डज नॉट हैव मोबिलिटी, इसका मतलब क्या है कि मान लो आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट के ऊपर जाते हो तो आपका IP एड्रेस चेंज हो जाता है, आज जो एड्रेस मुझे मिला है कल कोई दूसरा एड्रेस होगा, IPv4 के अंदर ऐसा ही तो होता है भाई, आज जो एड्रेस मुझे मिला है वो जरूरी थोड़ा ना कि कल मुझे मिलेगा, या मैं मान लो किसी मैं अपनी डेस्टिनेशन चेंज कर लेता हूँ तो मेरा एड्रेस चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन IPv6 के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि IPv6 के अंदर बहुत सारे एड्रेसेज हैं, ठीक है, बहुत सारे एड्रेसेज हैं, तो अब मेरे सिस्टम के ऊपर जो एड्रेस मुझे मिला हुआ है उसी एड्रेस से मैं हमेशा के लिए कनेक्ट हो सकता हूँ, मतलब चेंज करने की मुझे जरूरत नहीं है, तो जो एड्रेस मुझे मिला हुआ है तो वहां पे एड्रेस चेंज करने की जरूरत नहीं है। मान लो मैं राजस्थान से मैं दिल्ली जा रहा हूँ, या दिल्ली से मैं राजस्थान जा रहा हूँ, किसी भी स्टेट में जा रहा हूँ, तो उसी एड्रेस से मेरा कनेक्शन वहाँ पे स्टेब्लिश हो जाएगा। और देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करूँ जो लास्ट टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है IPv6 के अंदर स्मूथ ट्रांजेक्शन अवेलेबल है। स्मूथ ट्रांजेक्शन से मतलब क्या है कि आप मान लो कि एक पीसी मेरे पास है और एक पीसी मेरे पास है, इसका जो एड्रेस है IPv4 है, ठीक है, और इसका जो एड्रेस है IPv6 है,
IPv4 से IPv6 के ऊपर मैं कनेक्शन स्टेब्लिश करना चाहता हूं तो हम कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारी ट्रिक्स या टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं जिनके बारे में आप लोगों को बताऊंगा और करके दिखाऊंगा, विद प्रैक्टिकल्स हम करके देखने वाले हैं। तो ये थी कुछ चीजें IPv6 के बारे में जो आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आएंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो आप लोगों ने इस वीडियो को दोबारा से देखना है, और स्टेप बाय स्टेप हम वीडियोस कवर करते रहेंगे IPv6 के ऊपर और सारी चीजों को विद प्रैक्टिकल्स करके देखेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।